इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक कथा बड़ी अच्छी है। एक आदमी गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा था, टैक्सी वाले से बोला टैक्सी गेटवे ऑफ इंडिया ले चलो। ड्राइवर ने कहा साहब सामने दिख रहा है। बकवास बंद करो, कहता हूँ पहुँचाओ सामने। बेचारा गेट खोला, बिठाया, आगे पीछे किया, थोड़ी सामने तो था, पहुँचा दिया, गेट खोला, कितना 500। शाबाश, बहुत जल्दी पहुंचाए, इतनी तेज गाड़ी मत चलाया करो। चार डग लगाया, ड्राइवर भी तेज था, समझ गया लिया हुआ है। ये लेने के बाद मनुष्य की स्थिति क्या हो जाती है, जिसके घर में लेने वाले होंगे वो जानता होगा, अथवा जिसके घर में ले चुके होंगे वो जानता होगा। अरे संसार में बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ देने का है, बहुत कुछ लेने का है। जो भगवान का भक्त है उसको इन कुटेव रूपी व्याधियों से सर्वकाल बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये जो सामग्री बंद है ये बंद ही रहे, पूरी धरती से बंद हो जाए। ये व्याध है साहब, हम तो मना करते थे, अब मना नहीं करते। क्यों? जिसको मना करो वो मिलना बंद कर देता है, मना नहीं करते अब। बहुएं रोती थी तो थोड़ा अटपटा लगता था, भैया ना करो, वो भी बंद कर दिया हूं। भैया कौन नहीं जानता है, राम भक्ति करते हैं हम, भगवत भक्ति करते हैं। अरे भारत भूमि में जन्म मिला है, रामायण का आश्रय करो, राम नाम का आश्रय करो, कुमति को सुमति में परिवर्तित करो साहब। जानते हो आप, यह जीवन, ये मानव जीवन, भगवान मेरे कहते हैं कबहुं ककरे करुणा नर देही, कबहुं ककरे करुणा नर दे साधन का गांव है ये तन, मोक्ष का द्वार है ये तन। पाकर जो परलोक का श्रृंगार नहीं किया सो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछिताए। मेरा समय खराब है, समय किसका, मेरा। काल, काल ही कर्म ही, मेरे कर्म ही खराब है, कर्म ही।
भगवान भी मेरा हित नहीं करते। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य को अपनी गलती नहीं दिखती है। दर्पण बोलता है साहब, दर्पण बाल दिखने के लिए नहीं है, दर्पण स्वयं को देखने के लिए। दर्पण कहता है ये तुम हो, तुम्हारे कर्म हैं, तुम हो। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो दर्पण प्रसन्न होता है, क्यों? मुझको देखकर। आज यज्ञ करके आया, वाह क्या बात है, आनंद आनंद। आज भजन करके आया, आज तीर्थ यात्रा करके आया। स्वयं अपनी आंतरिक प्रसन्नता दूसरा नहीं जान सकता है। सरकार कानपुर में प्रणाम करने गया था अपने गुरुजी को, तो प्रणाम करके बैठा तो बोले, प्रेम तुम तो 10 साल छोटे हो गए। तुमने कहा गुरुजी कैसे? अब और चेहरे से लग रहे हो। हमने कहा मैं बंदा हूं, बाल रूप सो रामू का उपासक हूं। तो जो राम भक्त होता है ना वो छोटा होता जाता है, वो मोटा नहीं होता है, बड़ा भी नहीं होता है। राम भक्त छोटा होता जाता है। और ध्यान रखिएगा, जो भगत है उसको छोटा ही रहना चाहिए, उसको बहुत मोटा दिमाग से होना भी नहीं चाहिए। सब बड़े हो जाएं और भगत जी छोटे हो जाएं। लघुता ही भक्ति है। जितना हो सके सब कर रहे, सब बड़े बड़े हो गए। उधर भी अनेक सिद्धांत तो बताए समझाए। मैं आपसे निवेदन करूं कि जब जीवन का हर क्षण हर पल आप निरीक्षण करते चलेंगे तो आपको लगेगा मेरा जो मानव जीवन है ये इतना अद्भुत परमात्मा ने दिया है। जिसने दिया है उसको प्रसन्न करने के लिए हमको अपने जीवन को उसी भाव से जीने का अभ्यास करना चाहिए। राम राज्य में किसी में बैर नहीं, सभी लोग वर्णाश्रमानुसार वेद पथ का अनुगमन करते थे, वेद पथ का पालन करते थे। वर्णाश्रम निजन जधर्मा निरत वेद पथ लो चल ही सदा पावही सुख ही नहीं भय शोक नरो नहीं भय शोक नरो। श्रुति पथ का जो पालन करेगा, शुद्ध सिद्धांत को जो समझकर जीवन जिएगा वो कभी शोक में नहीं डूबेगा। रोग आता रहेगा जाता रहेगा, क्योंकि रोग शरीर का विधान है, मन का नहीं, आत्म तत्व का नहीं, प्राण वायु का नहीं। शरीर को तो भाई बहुत सारे चल रहे हैं, फिसल गए, हड्डी टूटी, हाथ में चोट लगा, उठे कुछ लगा है, सिर में लग गया, लगा दवा होगी ठीक होगा। उसके लिए आत्मिक दुख नहीं होना। शरीर का अपना धर्म है, मनुष्य को जीवन जीने का अपना व्यवहार है, आत्म तत्व को अलग प्रकाश है। क्यों? ये स्वयं में प्रकाश है। इसलिए रोग से व्यथा न बने। रोग आया राम गया राम, लेकिन बाबा कहते हैं मैया से देवी दैहिक दैविक भौतिक तात्वा दैहिक दैविक भौतिक तात्वा
का हो ही व्यापा सपनार करही परस पर प्रीति सपनार करही परस पर प्रीति चलही स्वधर निरत श्रुति नीति चलही श्रुति नीति चारे उचर सपन हुआ रहा सपन हुआ रहा सपन हुआ शारीरिक दैव प्रकोप और संसार के सुख में जो सामग्री चाहिए हो भौतिक न शरीर में रुग्णता आती थी न देवता प्रकोप करते थे क्योंकि देवता भी भगवत प्रताप से ही सुरक्षित आनंदित है। दूसरा संसार में जिसको जो चाहिए सुख के लिए भगवत कृपा से राम राज्य में सब कुछ सुलभ था। राम राज्य का हो ही नहीं व्यापा। आप देखिए भगवान की केवल भक्ति न करिए, आगे भक्ति की चर्चा है, भक्ति भी करिए तो विवेक के संग में करिए, अविवेक पूर्ण न करिए। जितने भी आप लोग यहां कृपा पूर्वक पधारे हैं भगवान की भक्ति भी विवेक पूर्वक करिए, अज्ञानता पूर्वक नहीं, दकियानुषी भावना रखते हुए नहीं, जान करके करिए, देख करके भक्ति न करिए। शरीर को यदि ठंडक का प्रकोप है तो थोड़ा ठंड से अपने को बचाया जाए, यह विवेक पूर्वक भक्ति है, भजन किया जाए। शरीर में यदि सांस की समस्या है तो यज्ञ में बैठकर थोड़ी देर प्रणाम करके वहां से निकला जाए, क्योंकि धूम के जाने से आपकी श्वास को लाभ भी मिल सकता है, हानि भी हो सकती है। अज्ञान पूर्वक भक्ति नहीं करना चाहिए, बोधपूर्वक भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने लगे पता चला एक माह हो गया जलेपी के भक्ति कर रहे हैं। शरीर को सताना भक्ति नहीं है, शरीर को उलझाना भी भक्ति नहीं है। कैसे? जहां हम जी रहे हैं प्रयास करें जो बड़ा हो, यह सिद्धांत है, जो बड़ा हो वो अपने इतर से कनिष्ठ से नाराज होने से बचे, क्योंकि जो श्रेष्ठ है उसका नाराज होने का चैप्टर समाप्त हो गया है, उसका दुखी होने का समय आ गया है। घर का पिता नाराज नहीं हो सकता, रुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे रुष्ट होते हैं तो बड़े मनाते हैं, बड़ा रुष्ट हो गया तो कौन मनाएगा। इसलिए राम राज्य की सहज व्यवस्था है, परमात्मा किसी से रुष्ट नहीं होते।
इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।